हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम एसपी बख्शी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये सेशंस फिर से स्टार्ट हुए हैं। पहले इसके 4 सेशंस हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हो। उसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस करवाए हैं। आज में हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, वर्कबुक की एक्सरसाइज ही करते हैं हम। मैंने इसको स्टार्ट करने का एक और रीज़न था बिकॉज जीके तो हमारा होते जा रहा है, साइंस की भी मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूँगी एंड साइंस आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लो, लेकिन इंग्लिश आपको करना होगा, तो इसलिए एसपी बख्शी इज़ द बेस्ट। आज के वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 1 करेंगे ए। ओके, इसके डायरेक्शन बोला है कंप्लीट करना है सेंटेंस को। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं सुटेबल अल्टरनेटिव से। मे या माइट के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सो अगर आप मेरे साथ देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो आप पक्का इसको ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन है शी एक्सपेक्ट दैट हर सन डैश कैन रिटर्न, मे रिटर्न या शुड रिटर्न। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मे रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है ना, तो शुड तो होगा नहीं। अगर हमें कंफर्म पता है तो हम वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं बोलेंगे। जब हम कोई चीज़ उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं, तब वहाँ पे मे या माइट आता है। ठीक है, तो मे रिटर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ वी रिक्वेस्ट हर शी डैश टू कॉलेज, मस्ट गिव अ लिफ्ट, माइट गिव अ लिफ्ट, कैन गिव अ लिफ्ट। इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइट गिव अ लिफ्ट टू कॉलेज। यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइट आएगा। आई होप आप मेरे साथ कर रहे हो बिकॉज इसके क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ मुझे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। थर्ड है इट इज़ पॉसिबल मार्लो डैश प्लेस फॉर शेक्सपियर। ऑप्शंस है मे राइट, माइट हैव रिटन, माइट राइट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ पॉसिबल मार्लो माइट हैव रिटन प्लेस फॉर शेक्सपियर। सो सेंटेंस की मीनिंग क्या हो रही है कि ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा कि जो शेक्सपियर के प्लेज होते थे उसको मार्लोव ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑल फेल्ट दैट ही डैश अ चीट, मे बी अ चीट, कैन बी अ चीट या माइट बी अ चीट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइट बी अ चीट। लग रहा था सबको कि शायद वो एक चीट हो सकता है। नेक्स्ट है डैश आई गो आउट आस्क हर सन, शुड आई गो आउट, मे आई गो आउट या मस्ट आई गो आउट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मे आई गो आउट आस्क हर सन। जैसे हम क्लास के अंदर आने के लिए बोलते हैं ना मैम मे आई कम इन, तो उसी तरीके से है ये। नेक्स्ट है 6, येस यू डैश मदर आंसर्ड। ऑप्शंस है शुड गो, मे गो या मस्ट गो। करेक्ट आंसर है मे गो, येस यू मे गो द मदर आंसर्ड। बेटे ने पूछा क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो मम्मी ने बोला हाँ तुम जा सकते हो। अगला है द सन आस्क्ड हिज मदर इफ़ ही डैश कैन गो आउट, मे गो आउट या माइट गो आउट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइट गो आउट। डैश आर किंग लिव लॉन्ग। ऑप्शंस देखते हैं मे, मस्ट या शुड। करेक्ट आंसर होगा मे। ठीक है, मे आर किंग लिव लॉन्ग। यहाँ पे क्यों ऐसे आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे जो डायरेक्शन है, जो क्वेश्चंस है, वो मे एंड माइट पे है। ठीक है, एग्जाम में तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मे एंड माइट पे ही है। तो आप सेंटेंस को पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो कि देखो कैसे सेंटेंस है, वहाँ पर मे या माइट आता है। तो सेंटेंस क्या बन रही है, मे आर किंग लिव लॉन्ग्स, हमारा राजा बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे। ठीक है, हम कामना करते हैं ना, भगवान से प्रे करते हैं कि ऐसा हो। मे आर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के लिए प्रे करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्रे करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में मे आता है। नेक्स्ट है वी ईट सो दैट वी डैश लिव, मे लिव, माइट लिव या कैन लिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मे लिव। भैया आप बोलोगे इसका तो कैन भी आ सकता है, कैन क्यों नहीं आएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खाना खाओगे तो ही ज़िंदा रहोगे, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप खाना नहीं खाओगे एक बार या दो बार तो आप मर जाओगे। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कितने कितने दिनों तक नहीं खाते हैं तो भी ज़िंदा रहते हैं। या नवरात्रि का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसमें 7 डेज़ तक 9 डेज़ तक जो पूजा होती है उसमें नहीं खाते हैं, तो क्या उन लोगों को कुछ हो जाता है? नहीं ना। तो हम इसीलिए खाना खाते हैं सो दैट वी मे लिव। ओके, कैन आएगा, एक एश्योर सेंटेंस हो गया तो वहाँ पे कैन आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ही वेंट देयर सो दैट ही डैश बोरो मनी, मे, कैन या माइट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी माइट बोरो मनी। नेक्स्ट है, अभी ये शुड शैल ये सब वाला आ गया था, ठीक है। 11th नंबर, शी एडवाइज्ड दैट आई डैश कर्टेल एक्सपेंडिचर्स। सो ये जो वर्ड है ना आप वहीं से याद रख लोगे उसको। ये जो कर्टेल है या है कट टेल से एनिमल के लिए यूज़ होता था, तो मतलब शॉर्टन करना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। तो उसने एडवाइस किया डैश, उसको अपनी खर्च कम करनी चाहिए। शुड, शैल, शुड हैव, क्या आना चाहिए यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शी एडवाइज्ड दैट आई शुड कर्टेल एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट है, यू डैश हिम दैट गैम्बलिंग वुड रूइन हिम। गैम्बलिंग मतलब क्या होता है? हिंदी में मैं बोलूँ तो उसको बोलते हैं जुआ खेलना, ठीक है, या बेटिंग करना, तो जो उन सब चीज़ों को गैम्बलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो गैम्बलिंग करेगा तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ जो है रूइन हो जाएगी, रूइन मतलब ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? शुड वॉन, शुड हैव वॉन, मस्ट वॉन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, शुड हैव वॉन। यू शुड हैव वॉन्ड हिम दैट गैम्बलिंग वुड रूइन हिज लाइफ। नेक्स्ट है, we enjoy the movie you dash there, should have been, can be, should be। बहुत ईजी, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, should have been। have been क्यों? वहाँ पे वो होना चाहिए था उसको। can be and should be तो नहीं होगा। उन्होंने मूवी enjoy कर ली मतलब मूवी देख चुके हैं वो, तो ये उससे बोल रहे हैं। जैसे हम हमारे फ्रेंड्स होते हैं कभी कभी तो हम मूवीज़ देख के आते हैं, तो वो मान लो नहीं गए हमारे साथ, तो हम बोलते हैं ना कि मूवी देख के बहुत ही मज़ा आया, तुम्हें भी आना चाहिए था। तो वही है ये सेंटेंस, वी एन्जॉय द मूवी यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें भी वहाँ पे होना चाहिए था। अगला है 14th, यू वर्क हार्ड यू विल पास, वुड, विल या शुड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, टेस्ट के लिए अच्छे से मेहनत करोगे तो आप पक्का ही पास हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यू टोल्ड हिम दैट आई डैश लीव नेक्स्ट डे, शुड, शुड हैव, कुड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुड। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड लीव नेक्स्ट डे, मैंने उसको बताया कि मुझे अगले दिन ही वहाँ से चले जाना चाहिए। मेक हेस्ट लीस्ट यू डैश लास्ट। ऑप्शंस है शुड गेट, शुड नॉट गेट या मे नॉट गॉट। तो यहाँ पे आएगा शुड गेट। मेक हेस्ट लीस्ट, यू शुड गेट लेट। ओके, नेक्स्ट है मस्ट के ऊपर। नेक्स्ट इज शी डैश वर्क हार्ड इफ़ शी वॉन्ट to top the merit list, must have, must, must not। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, she must work hard if she want to the top list। अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, मस्ट है वो, है ना। अगर आपको उन 220 बच्चों में से एक बनना है जिनको सीट मिले कॉलेज में, तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। ऐसा नहीं लग रहा तुम्हारे लिए सेंटेंस बनाया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है 18th, शी डैश अलोन एज इट वाज रेनिंग हैविली, मस्ट नॉट लीव, मस्ट नॉट हैव लेफ्ट, शुड नॉट लीव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मस्ट नॉट हैव लेफ्ट अलोन एज इट वाज रेनिंग हैविली। उसको अकेले नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। अगला है प्रिंसिपल टू स्टूडेंट यू डैश विद बैड गर्ल्स, मस्ट नॉट मिक्स, कैन नॉट मिक्स, मे नॉट मिक्स। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ओके, मस्ट नॉट। टीचर बोलते हैं ना कि तुम्हें, जैसे गंदे बच्चे अच्छे बच्चे बोलते हैं उसी टाइप से, कि तुम्हें उन लोगों के साथ मिक्स नहीं होना। नेक्स्ट है शी डैश अलोन एज इट इज़ रेनिंग हैविली। अभी यहाँ पे वॉज था, यहाँ पे इज़ है, तो क्या आएगा? मस्ट नॉट लीव, मस्ट नॉट हैव लेफ्ट, शुड नॉट हैव लेफ्ट। अभी यहाँ पे आ जाएगा मस्ट नॉट लीव। यहाँ पे क्या आया था? मस्ट नॉट हैव लेफ्ट, बिकॉज वो चली गई है, पहले ही बारिश हो रही है और वो पहले ही चली गई है, इसलिए मस्ट नॉट हैव लेफ्ट। जैसे घर पे होता है कभी कभी, कहीं कहीं तुम चले जाते हो बिना बताए या कुछ, तो फिर बोलते हैं कि उसे नहीं जाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इज़, अभी इज़ रेनिंग, तो उसको क्या बोले जा रहे? तुम अभी ना जाओ क्योंकि बारिश हो रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है तुम्हें नहीं जाना चाहिए था क्योंकि बारिश हो रही है। सो आई होप आपको दोनों सेंटेंस का डिफरेंस समझ आ गया हो। देयर डैश समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे, मस्ट बी, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन। इसका करेक्ट आंसर है मस्ट बी। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे। नेक्स्ट इज स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर डैश इट, शुड हैव डन, मस्ट हैव डन या शुड डू। तो बोला जा रहा है सेंटेंस में कि स्वाति जो है वो बहुत ही जेंटल है, पर उसकी सिस्टर ने ऐसा किया होगा। सेंटेंस का मतलब ये आ रहा है, पढ़ के आपको समझ आ रहा है ना। उसको बोल दिया गया कि वो तो बहुत ही शांत स्वभाव की है स्वाति, पर उसकी बहन नहीं है, तो उसी ने ये काम किया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? शुड हैव डन, मस्ट हैव डन या शुड डू। करेक्ट आंसर है इसका बी, मस्ट हैव डन। उसी ने ये काम किया होगा। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे सिबलिंग्स होते हैं, एक अगर कोई ज़्यादा शरारती होता है तो कोई भी घर में कुछ भी गलत होता है तो उसी पे बोल देते हैं कि इसी ने ये काम किया होगा। ओके, अगला है 23। आई एम श्योर द प्रिंसिपल डैश इन हिज रूम, शुड बी, कैन बी या मस्ट बी। इसका करेक्ट आंसर है मस्ट बी। आई एम श्योर दैट द प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज रूम। लास्ट दो क्वेश्चन। 24 है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, शुड, ऑट टू या मस्ट। तो यहाँ पे है ऑट टू। ऑट टू मतलब क्या होता है? ऑट मतलब बेसिकली कि तुम उन्हें ओन करते हो, तुम्हें उन्हें ओबे करना एक तरीके से तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। मस्ट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से यही दिया है तो मैं यही करवा रही हूँ आपको। नेक्स्ट है यू डैश stood by your sister when she was in difficulty, ought to have, should have। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ought to have। तुम्हारी बहन अगर परेशानी में है तो तुम्हें, ये तुम्हारी एक तरीके से ड्यूटी है कि तुम उसके साथ खड़े रहो। ओके, सो वी कम्प्लीटेड आवर क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो जो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे नहीं है वो हमसे वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ऑल दिस 3 प्लेटफॉर्म्स ऑफ आर्स इज़ डेडिकेटेड टू MNS एस्पिरेंट्स ओनली। आपको हर जगह अलग अलग टाइप की स्टडी मटेरियल्स या इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सो फॉर योर बेटर बेनिफिट आप हमारी तीनों साइट से जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले सेशन में।